इस आपदा ने तो ऐसा रुला दिया कि मतलब पूरा धसने की पूरी उम्मीद है इस गांव को। कभी कभी रात को मैं सुपिन में ऐसे ही देखता कि पत्थर आ गए, वो ऊपर से आ गया। तो रिहैबिलिटेशन के अलावा इसका कोई दूसरा चारा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा अभी हमको कोई विस्थापित न कोई सूचना दी गई न कुछ हुआ है। जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया कीजिए 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौली गंगा पूरा चारों तरफ वो लगा हुआ है। पुल के पास हमारा खेत था, सास और मैं गए, मौसम भी खराब नहीं था, साफ था। अब मैंने हवा सुना तो मैं इधर उधर देखा तो फिर ऊपर से बड़े बड़े पहाड़ टूट के पूरा ग्लेशियर टूट के आ रहा है। फिर उस ऐसा आओ मैंने अपने सास को बोला, सास आ गया, उन्होंने कहा क्या आ गया, मैं फिर बोल रही थी वो ग्लेशियर टूट के आ गया, बोलने तक हवा से मैं ऐसे गिरी। फिर मेरे को पता ही नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, अंधेरा पड़ गया था, वहाँ धूल ही धूल, अंधेरा। माँ जी तो मेरे को दिखी नहीं, उसके बाद पता नहीं कहाँ गई, वो मलमा में दब गई। बिना बॉडी को तो ऐसे लग रहा था, जब तक बॉडी नहीं मिला तब तक हम कैसे इसको करें। जब एक डेढ़ महीना हम ढूंढते रहे तो बॉडी नहीं मिला, तो तब हमने जैसे भी करना था कर नहीं था, वो पुतला बना के कपड़े जो होते हमारा सरकार अंतिम सरकार वही उसकी जड़ बॉडी बना के हमने वो काम किया था। बहुत ज़्यादा याद आती है, नौजवान भाई था उसकी याद तो काफ़ी आती है, उसकी याद निकालते तो उसमें आंसू आ जाती है, लेकिन याद तो बहुत आई। ऋषि गंगा वाला जो फ्लश फ्लड था, इसमें अब ये क्लियर हो गया कि एक बहुत बड़ा एवलांच जो है वो गिरा और उसने पूरी रौंथी गार्ड को जो है वो ब्लॉक कर दिया। अब वो रौंथी गार्ड कितने घंटे ब्लॉक रही, 8-10 घंटे भी हो सकती है, 10 या 12-13 घंटे। और उसके बाद क्या हुआ कि जो वो मेटेरियल ऊपर से गिर करके जिसने रौंथी गार्ड को ब्लॉक किया था वो टूट गया, जब प्रेशर बना पानी जमा हुआ तो टूट गया। टूटने के बाद वो अपने साथ इतना मलबा लाया कि उसने ऋषि गंगा को तो ब्लॉक कर दिया, और जो नीचे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट था 12.5 या 13 मेगावाट का, उसको कम्प्लीटली वैनिश कर दिया, फिनिश कर दिया, क्योंकि ग्रेडियंट जो है वो उस रौंथी गार्ड का बहुत ही हाई ग्रेडियंट है।
दिस ट्रेजेडी इट डिडंट जस्ट कॉस्ट लाइव्स बट इट हैज़ ऑल्सो मेड लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल ऑफ रेनी विलेज विच इज सिंकिंग डे बाई डे एंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर लिविंग. ये आपदा से पूरा टूट गया सर, ये जमीन खिसकरा इधर यहाँ से ये नीचे पूरा दिखाई दे रही है. हाँ सर पूरा इधर तो रास्ता था सब ऊपर जाने के लिए, ये पूरा नीचे ही जा रहा पूरा, यहाँ भी दिखाई दे रही है टोटल नीचे कंपनी तक जा रखे ये टूट गए. तो ऐसे कितनी और जगह टूटी है? इधर सर टूटी है, इधर है पूरा जमीन टूट रहा सर, वो तो देखने वाली बात है. ये फरवरी के उजाव से साहब ये पूरा जमीन खिसक रहा साहब. हाँ यहाँ पर दरार पड़ रखा है और बारिश पड़ेगी तो ये भी धस जाएगा साहब. हाँ साहब पहले साहब जब आपदा आई थी तो तब इतना नहीं था, लेकिन 17-18-19 को जो है अक्टूबर को जो यहाँ वर्षा हुई 3 दिन तक लगातार, उसे जो है जगह जगह पर जमीन धंसने लगी, धीरे धीरे के इनमें दरार आने लगी और ये मकान के हर कोने में हर सीढ़ी में करीब करीब हर जगह जो है ये दरारें पड़ी हैं. अब क्या होगा, कभी भूकंप आएगा तो हमको डर भी लगी रहती है यार कहीं मकान ना धंस जाए कुछ हो जाए, ये चीजें हैं सर. तो ये अगर आपदा नहीं आती पहले फरवरी में तो पहले तो बारिश नहीं तब तो ठीक था सर, तब बिल्कुल, क्योंकि इसका आधार था तब तक. हाँ. नीचे आधार था ना, अब आधार है ही नहीं. कि जब ये इवेंट आया 7 फरवरी 2021 का, उसने क्या किया कि उसने जो है वैली वॉल को बुरी तरह से जो है इम्पैक्ट, उसमें बड़े बोल्डर भी टकराए होंगे तो उसको थोड़ा कमज़ोर कर दिया. थोड़ा सा भी रेनफॉल होगा तो स्लोप जो है वो सिंकिंग का, मुझे ये लगता है कि रैनी गांव जो है किसी पैलियो लैंडस्लाइड के ऊपर बसा हुआ था और पैलियो लैंडस्लाइड में क्या होता है कि ऊपर से कभी पत्थर आकर के गिरे होंगे, लैंडस्लाइड हुई होगी और उसके बाद लोगों ने वहाँ पर देखा यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, ठीक है उन्होंने गाँव बना दिए. लेकिन क्या होता है कि जब आप कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे ये तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है उसके लिए आप टनल बनाएंगे तो आप ब्लास्टिंग करेंगे, तो जब ब्लास्टिंग करेंगे तो ट्रिमर मतलब लोकल अर्थक्वेक आप जनरेट कर रहे हैं. जब सेकिंग होगी तो जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो फिर दोबारा रिसेटल होंगे और उनके ऊपर जो बने हुए स्ट्रक्चर हैं मकानों के उनमें दरारें पड़ेंगी, क्योंकि अगर वो नीचे धंस रहे हैं तो क्रैक्स आएंगे. रिहैबिलिटेशन के अलावा इसका कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि अगर वो पूरी लैंड डिस्टर्ब हो गई होगी तो फिर उसको दोबारा मतलब एक स्टेबल स्टेज पाने के लिए जो है बहुत समय लगेगा. क्या है साहब, सबसे बड़ी चीज क्या है कि धसने से ये पता नहीं चलेगा कि अगर ऐसी वर्षा हुई तो ये तो मिट्टी सब खिसक जाएगी, खिसक जाएगी तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ गए, क्योंकि एक दो बार हमने किसी दूसरे जगह भी देखा ऐसी आपदा तो वहाँ पर तो इतने बड़े गड्ढे हो गए थे, उन जो लोग आदमी नीचे गिरे गए थे जमीन के नीचे उनको स्वयं पता नहीं चला हम कैसे चले गए. लेकिन गवर्नमेंट द्वारा अभी हमको कोई विस्थापन न कोई सूचना दी गई न कुछ हुआ है, इसलिए हम लोग अभी भी थोड़ा सा दहशत में हैं. यहाँ पे पार्टी तो आते रहते, कांग्रेस आ रहा बीजेपी आ रहा, कोई वैसी कह रहे हमको चुनाव दो सब हो जाएगा. इससे पहले हमने कहा जब चुनाव नहीं था तो उससे पहले तुम सरकार बनी थी तुम्हारी बीजेपी, तो हमको क्या दिया तुमने, कुछ नहीं दिया. अब कह रहे हमको चुनाव वोट दो वो दो, हमने कहा वोट दे के तुमको क्या फायदा है, जब हमारे तुम सुनते नहीं है तो हम तुमको वोट देके क्या फायदा. मान
Traveling to the remote hills of Uttarakhand in this cold weather to tell a story is quite an uphill task. But the Quint is trying its best to tell you stories from the ground. Stories that matter. Our efforts not only require a lot of time, but also a lot of money. And this is why we need your support. Keep supporting the Quint to support independent journalism.